हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प पे। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, उसको भूख नहीं लगती है, तो आप क्या बेसिक टिप्स यूज़ कर सकती हैं और धीरे धीरे करके आप अपने बच्चे की भूख को इनक्रीज़ कर सकते हो, उसको एपेटाइट को इनक्रीज़ कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो थ्री ईयर से लेकर जो 6-7 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। और ये कंडीशन छोटे बच्चों में भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे वो 1 ईयर के हैं, 2 ईयर के हैं, तो नॉर्मली ये एक ऐसे प्रॉब्लम है जो कि हर माँ को ये फेस करनी होती है। तो हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करें, हम अपने बच्चे को किस तरीके से प्रॉपर टाइम पर खाना दे पाएँ और जो भी हम खाना खिलाएं वो उसे आराम से खाए, उसको निगलेक्ट ना करें, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी बेसिक टिप्स आप फॉलो करके अपने बच्चे की भूख को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। आप यकीन मानिए, एकदम तो नहीं होगी कि आपने एकदम 1 वीक या 2 वीक ट्राई किया और बच्चे की भूख बहुत तेज होगी। जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, वो आप धीरे धीरे अगर अपने बच्चे को डेली फूड में इंक्लूड कर रहे हो इन सब चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके जो उसकी भूख है, वो बच्चे की, आप जो भी खिलाओगे वो बच्चा आराम से खाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो आप कुछ भी रखो उसके सामने वो ना खाए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ये भी रीज़न होता है, जो मेन रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ, कि जब बच्चा खाना नहीं खाता है या खाना को देख के एकदम गंदा सा मुँह बनाता है, तो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि हम खाने को वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, मीन्स बोरिंग खाना, ठीक है। थोड़ा सा आप खाने को चेंज करो, आप अपने वीक का शेड्यूल बच्चे का बना लीजिए कि मुझे इस दिन में ये बच्चे को खिलाना है, सेकंड डे में ये खिलाना है, थर्ड डे में ये खिलाना है। फिर बाद में आप जब 3-4 दिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाओगे, फिर उसी प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन सेम खाना, जैसे हर डेली पराठा पराठा नहीं देना है, एक ही चीज़ एक ही तरह का, आप पराठे भी डिफरेंट तरीके के बना सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो खाना आप बच्चे को दे रहे हो, वो आप उसको रेगुलर वही खाना ना दें, ठीक है। उसको आप डिफरेंट बनाएं, थोड़ा सा उसको फ्लेवर चेंज कर दें, थोड़ा सा उसे डिफरेंट बनाएं, तो ये भी आपको उसका टेक्सचर चेंज कर दें, थोड़ा सा आप उसको डेकोरेट करें। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर आप बच्चा कभी कभी खाना नहीं खाता है, तो आप हमेशा कंपेयर करें, ठीक है। कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर अगर आप बच्चे को करोगे कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप वीक हो जाओगे, आपके घर में और कोई अदर मेंबर है, आपके हस्बैंड हैं या कोई भी अगर दूसरा बच्चा है, उससे आप कंपेयर करके ज़रूर देखिए कि आप खाना नहीं खा रहे हो तो देखो वो स्ट्रांग हो जाएगा, आप वीक रह जाओगे, ठीक है ना। और वो कितना अच्छा है, वो कितना इंटेलिजेंट, आप भी फटाफट से फिनिश करो तो आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। तो इस तरीके से आप किसी सेकेंड पर्सन से अपने बच्चे को इसमें थोड़ा सा कंपेयर करिए और उसको थोड़ा सा आप इस तरह से खिलाने की कोशिश करिए, तो वो डेफिनेटली अगर आप बच्चे को कंपेयर करके खिलाते हो तो वो ज़रूर अपना खाना फिनिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम बच्चे को दें जिनको वो आराम से खाए और उसका जो भूख है वो बढ़े। सबसे पहले हम बात करते हैं अजवाइन की, ठीक है। जो अजवाइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे के लिए हेल्दी होता है। अगर आप उसके फूड में अजवाइन का पाउडर इंक्लूड कर रहे हो और सिंपली आप अजवाइन उसको दे रहे हो, तो वो बच्चे के, एक तो उसका पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, या उसको प्रॉपर पॉटी नहीं आती है, या जो उसके पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी। अब आपको कैसे देना है और किस एज से आप स्टार्ट कर सकती हैं, तो हमेशा से मैं जो बोलती आई हूँ कि 0 से 6 मंथ तक की बेबी को तो आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन 6 मंथ के बाद जब बच्चा फूड लेना स्टार्ट कर देता है, तो वो 1 साल तक तो वो हल्का फुल्का ही खाता है, ठीक है। प्यूरीज़ हैं, या दाल का पानी है, चावल का पानी है, या थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हम उसको फूड देते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे नहीं खाते हैं और उनका मन नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आप उसको अजवाइन का पानी पिला सकती हैं।
छोटा बच्चा है, मना नहीं कर पाएगा, आप उसको थोड़ा फोर्सली भी एक एक दो दो चम्मच दिन में, दो दो तीन तीन चम्मच उसको पानी पिला सकते हो अजवाइन का। तो अजवाइन का पानी आप अपने बच्चे को, जो कि छोटा है 1 से 2 साल तक का बच्चा, आप उसको अजवाइन का पानी पिला सकती हैं, ठीक है। आप एक छोटे से बॉटल में अजवाइन का पाउडर बना के भी रख लीजिए, तो उस पाउडर को आप बच्चे के किसी भी फूड में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप सैल्टी बना रहे हो। जैसे अगर बच्चे को आप सैलेड दे रहे हो, या फिर बच्चे के लिए आप कोई सब्जी बना रहे हो, या फिर आप बच्चे के लिए दलिया बना रहे हो, तो हल्का हल्का चुटकी चुटकी भर आप अजवाइन बच्चे के फूड में डेली इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे 2 साल का बच्चा है, 2 या 3 या 4 या 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको अजवाइन कैसे आप देंगे? तो बच्चे के लिए आप कोई भी सूप बना रहे हो, या बच्चे के लिए आप कोई भी सब्जी बना रहे हो, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा ना डालें। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो अजवाइन का जो पाउडर है वो आप बच्चे को उसके फूड में इंक्लूड कर सकते हो हल्का सा, ठीक है। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो, हल्का हल्का ही डालें, ज़्यादा ना डालें, उसका टेस्ट चेंज ना हो जाए इस वजह से। अब आप उसके लिए अगर पूरी बना रहे हो या पराठा बना रहे हो, कोई भी चीज़ आप उसके लिए, पराठा, रोटी या पूरी, कुछ भी बना रहे हो, उसमें आप अजवाइन का पाउडर मिला सकते हो, या साबुत अजवाइन भी आप आटे में डाल सकते हो। उसके आप पराठा, पूरी, जो भी आप बच्चे को खिला रहे हो वो ज़रूर खिलाएं, तो उसका पेट एकदम साफ रहेगा और उसकी धीरे धीरे भूख बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो छोटे बच्चों को आप अजवाइन का पानी दे सकते हैं, और बड़े बच्चों को आप उनका पाउडर बना के उनकी सब्जी में, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। अगर पराठा, चपाती या पूरी कुछ बना रहे हो तो उसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं। ये बच्चे की भूख अच्छे से बढ़ाएगा और बच्चा कभी भी किसी भी खाने को मना नहीं करेगा। दूसरी चीज़, आप एप्पल जानते हैं, छोटे बच्चे को आप एप्पल की प्यूरी दीजिए, ठीक है। बड़े बच्चे आप छोटे छोटे स्लाइस एप्पल के आप काट सकते हैं, और हल्का चुटकी भर काला नमक डालकर आप दें। काला नमक डालकर आप अगर बच्चे को सेब देते हो तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा करता है। आपने कहावत सुनी होगी एप्पल के बारे में, एन एप्पल आर डे कीप द डॉक्टर अवे, ठीक है। एक एप्पल बच्चे को अगर आप डेली दे रहे हो तो उसे कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्लड को बढ़ाता है, साथ ही साथ बच्चे की भूख के लिए काफ़ी अच्छा है। अब जितना आपका बच्चा खा ले, आप फोर्सली आप ये मत करिए कि एक ही खा ले या एक बार में ही खा ले, आप उसको थोड़ा थोड़ा दीजिए। एक जैसे हाफ उसने एक बार खा लिया, फिर हाफ उसने एक बार खा लिया, जिस तरीके से आपका बच्चा खा सकता है उसका जूस बना के दे दीजिए, उसके स्लाइस काट के दे दीजिए, एप्पल की खीर बना के दे दीजिए। तो इस तरीके से आप चाहें तो एप्पल की खीर की रेसिपी मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके देख सकती हैं, आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एप्पल दीजिए। थर्ड में बात करती हूँ टमाटर की। टमाटर का आप सूप बनाकर दीजिए, ये बच्चे, कोई भी बच्चा इसको मना नहीं करेगा। हल्का टेस्टी बनाइए, और थोड़ा सा हल्का सा नमक वमक नमक ऐड करके उसमें बच्चे को ज़रूर आप बच्चे को टमाटर का सूप पिलाइए। अगर बच्चा ऐसे ही उसको खा सकता है एज ए सैलड, तो सलाद के रूप में भी आप बच्चे को उसको दे सकते हैं टमाटर। तो टमाटर आप ज़रूर बच्चे के बच्चे को आदत डालिए टमाटर खिलाने की, जो खून बढ़ाता है और भूख भी बढ़ाता है। जिनमें खून की कमी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है टमाटर, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्म में बच्चे को टमाटर दे सकती हैं। फोर्थ हम बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी आप सभी जानते हैं कि कितना अच्छा होता है, मसाला होता है। आप इसका पाउडर बना लीजिए, और इसका पाउडर बनाकर आप बच्चे के खाने में आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। हलवा बना रहे हो, खीर बना रहे हो, या सब्जी बना रहे हो, सूप बना रहे हो, तो आप उसमें दालचीनी पिसी हुई ज़रूर डाल लिए, क्योंकि ये भूख बढ़ाएगा बच्चे का, और ये टेस्ट में थोड़ा सा मीठा होता है, तो ये बच्चे को ऐसा भी नहीं है कि उसका टेस्ट ख़राब करेगा, टेस्ट भी नहीं ख़राब होगा और बच्चा आराम से इसको खा पाएगा, और बच्चे की भूख भी अच्छे से इससे बढ़ेगी। तो आप दालचीनी बच्चे के फूड में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अगर अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध पिला रहे हैं, जैसे काऊ का दूध पिला रहे हैं या फॉर्मूला दूध पिला रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न ऐसा होता है कि जिसके वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती है। तो बहुत ज़्यादा दूध आप अपने बच्चों को ना पिलाएं। 2 बार तो बिल्कुल सही है, 2 बार सुबह शाम तो आपको दूध देना ही है। आप सोचें कि आप दोपहर में भी 2 बार दे दें, शाम को भी दे दें, तो हर वक्त दूध ही दूध ना बच्चे को दें, क्योंकि दूध भी बच्चे की भूख को मार देता है। तो इसलिए आप 2 बार ही दूध दें, ठीक है। तो ज़्यादा दूध ना दें, आप बफेलो मिल्क भी दे सकते हैं, और
जो भी पैकेट मिल्क, अगर आप अमूल का यूज़ करते हैं ना, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो काओ मिल्क के लिए तो वैसे भी डॉक्टर मना करते हैं कि बड़े बच्चों को ही देना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपको दूध नहीं देना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं दही और छाछ की। अपने बच्चे को दही या छाछ की आदत जरूर डालें। आप डेली अपने बच्चों को दही या छाछ जरूर दें। ये भी काफ़ी ज़्यादा पेट के लिए हेल्दी होते हैं, प्लस भूख को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप दही में या फिर छाछ में हल्का सा नमक डालकर, राई का तड़का लगाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये भी बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अब आप सोचोगे कि मैम सर्दियों में दही दें या नहीं दें, तो आप स्किप कर सकते हैं। आप गर्मियों में आप अपने बच्चों को मॉर्निंग में दही या छाछ जरूर दें, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। विंटर में आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में आपको बताने वाली हूँ वो है मुनक्का। आप वो सर्दियों में तो मुनक्का बहुत ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, तो गर्मियों में थोड़ा इसका सेवन कम करते हैं लोग। लेकिन आप चाहें तो गर्मियों में इसके क्वांटिटी कम कर सकते हैं और सर्दियों में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप मुनक्के की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। आप आई बटन पर क्लिक करके मुनक्के की वीडियो के बारे में, किस एज में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि मुनक्के का दूध आप ज़रूर अपने बच्चे को पिलाएं। अगर आपका बच्चा 1 साल या 2 साल तक का है, तो आप एक बार मुनक्के का दूध अच्छे से गर्म करके ज़रूर दें। 2 मुनक्का बहुत हैं, एक या फिर 2 सर्दियों में, ठीक है। अगर आपका बड़ा बच्चा है, 4-5 साल का है, तो 3 मुनक्के यूज़ कर लें और उस दूध को अपने बच्चे को दें। तो उससे बच्चे की भूख बढ़ेगी, सर्दी खांसी से भी बच्चों को राहत मिलेगी। अगर बच्चा रात में बिस्तर पर टॉयलेट करता है, तो वो भी समस्या आपकी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। तो माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, ये कुछ बेसिक जो घरेलू नुस्खे थे जो मैंने आपको बताए, जो होम रेमेडीज़ हैं। अगर आप ये अप्लाई करोगे अपने बच्चे के ऊपर, अगर आपको भी भूख नहीं लगती, अगर बड़ा बच्चा है, किसी के लिए भी अगर आप ये यूज़ करोगे, तो ये डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय पेरेंट्स।